जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे किचन में बन रही है चीज़ गार्लिक ब्रेड, बहुत मज़े की। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखें। ये देखिए, इंशाल्लाह ताला से आप पिज़्ज़ा हट को भूल जाएंगे। इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की हमारी ये ब्रेड बनी है, और वीडियो को पूरा देखें। वेलकम एवरीवन, आज हम बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड। तो गार्लिक ब्रेड के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं, वो हमें चाहिए बटर और पामसान, ये सॉरी ओरिगानो चाहिए, और हमें मिक्स हर्ब चाहिए और चॉप गार्लिक चाहिए। चॉप गार्लिक जो है वो मैंने तकरीबन 5 से 6 जवे जो है वो चॉप गार्लिक के लिए हैं। ये मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड को हम कट करेंगे इस तरह, जिस तरह पिज़्ज़ा हट की शेप होती है इसी तरह से हम ब्रेड की कटिंग करेंगे। हाँ जी, एक ट्रे में मैंने फॉइल पेपर लगा लिया। अब हम ये चॉप गार्लिक जो है हम दरमियान में लेकर आते हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे बटर। जी तो इसके अंदर हम डालेंगे बटर, ठीक है, और इसके अंदर डालेंगे हम ओरिगानो। जितने आपने स्लाइस बनाने हैं उसके मुताबिक आप बटर ऐड कर दें। ओरिगानो डाल दो आप हाफ टी स्पून आप डाल दें मिक्स हर्ब्स। सॉल्ट डालें आप, एक्चुअली बस जो मैंने सॉल्ट डाल दें जस्ट टेस्ट के लिए। पहले करते हैं मिक्स, सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना लें, और एक ये बिल्कुल डिफरेंट थोड़ा सा मैं बना रही हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हम डालेंगे, इसी पेस्ट के अंदर हम डालेंगे चीज़, इसके अंदर ही डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। मैंने इसके अंदर चीज़ डाल दी, और इन सब चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स। बहुत ज़बरदस्त है, इसको हम मिक्स कर ले। अगर आपको बटर कम लगे तो आप बटर और अंदर ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं, इसको आप जल्दी बनाएं। अपने बच्चों को जो है ये पिज़्ज़ा हट का सेम टेस्ट आपको आएगा, इस तरह से आप स्प्रेड करते जाएं। और मैंने 150 टेम्परेचर पे मैंने जो है वो ओवन को रखा हुआ है, तो मैं 5 से 7 मिनट, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 5 मिनट में ये हमारी ब्रेड जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैं सारी ब्रेड के ऊपर ये लगा लूँगी, कोटिंग कर दूँगी, और ये सारी मैं ब्रेड्स पे लगा लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो ये सारा जो है हमने ऊपर उसके कोटिंग कर दी। अब हल्का सा हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालेंगे इसको कलर देने के लिए, इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे ऊपर, इस तरह से, तो इसकी बहुत प्यारी इसकी लुक आएगी। अब ये मैं इसको 5 मिनट के लिए ओवन में रख देती हूँ। जी तो हमारी माशाल्लाह से गार्लिक ब्रेड जो है रेडी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और आप ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखें, ये बच्चे बहुत लाइक करेंगे, आप पिज़्ज़ा हट को भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।